तुर्की मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के दारुलहुकूमत मास्को समेत दो शहरों पर ड्रोन हमले किए जिसमें तीन शहरी हलाक हो गए। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक मास्को में ड्रोन हमले में जेर तामीर बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जिससे आसपास मौजूद पाँच मंजिला दो इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। वाकये के बाद इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गयी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मास्को के दो मुख्तलिफ जिला मॉजिस और खिमकी में भी ड्रोन हमले किए गए जिनको एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया। ड्रोन हमलों के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ जबकि रूसी हुक्काम की जानिब से इसे कैफ हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दाना हमले की एक और कोशिश कहा गया है। दूसरी जानिब रूसी हुदूद में ड्रोन हमलों के हवाले से यूक्रेन की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध की सुबह भी मॉस्को के तमाम एयरपोर्ट्स पर फिजाई ऑपरेशन बंद रहा ताहम अब फ्लाइट्स ऑपरेशन को बतदरीज बहाल किया जा रहा है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।